आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। फिर से आज मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारा पिछला टॉपिक दोस्तों था स्नैक बाइट में आपने क्या करना चाहिए। हमने उसमें आपको बताया था डू इट राइट। तो दोस्तों आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। स्नैक बाइट में हमने जो आपको पिछले जो इंट्रो दिया था उसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। दोस्तों स्नैक बाइट में हमने आपको बताया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्नैक बाइट में आपने जो है वहाँ पे करना ये है कि डू इट राइट। डू इट राइट मतलब रीअश्योर, इमोबिलाइज, गेट टू द हॉस्पिटल एंड टेल टू द डॉक्टर। एंड द सेकेंड वन इज आपने क्या नहीं करना है। टॉर्निकेट नहीं बांधना है वहाँ पर। मुँह से वहाँ का जो पॉइजन है वो मुँह से शक्कर नहीं करना है। और आपने वहाँ पे किसी भी ब्लेड से या निडल से इंजरी नहीं करना है। ये चीज़ें तो ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें कब करेंगे जब आपको पता नहीं होगा कि स्नैक बाइट ये कौन से प्रकार का है दोस्तों। वेदर इट इज़ पॉइजनस और वेदर इट इज़ नॉन पॉइजनस। अगर नॉन पॉइजनस है तो ठीक है, अगर नहीं, इफ द स्नैक बाइट इज पॉइजनस, अगर स्नैक जो है सांप जो है वो विषारी है, कोबरा या किंग कोबरा या और बहुत से प्रकार के स्नैक हैं, तो उसमें अगर विषारी प्रकार का स्नैक है तो आपने उसमें क्या करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आपने जैसा मैं डू इट राइट बताया है वो फार्मूला तो अपनाना ही है। इसी के साथ आपने जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को रन करना है। एम्बुलेंस अगर आती है 108 से तो अच्छी बात है, या फिर अपने कोई भी व्हीकल में पेशेंट को आप कंफर्ट पोजीशन देकर जल्दी से जल्दी अपने हॉस्पिटल को लेकर जाना है दोस्तों। दोस्तों स्नैक बाइट के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं। उसी में एक वीडियो मैंने देखा है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो एक व्यक्ति जो पता नहीं वो क्या है, शायद डॉक्टर हो भी या ना हो। तो दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं स्नैक बाइट के ऊपर, पर वो व्यक्ति जो बताता है कि बाबा स्नैक बाइट होने के बाद जहाँ पर भी आपको स्नैक बाइट हुआ है वहाँ पर आप जो है किसी भी धारदार वस्तु से जो है वहाँ पर घाव करके वहाँ का जो है ब्लीड काट दो, वहाँ का ब्लड काट दो, पॉइजन काट दो। फिर वो टॉर्निकेट बांधने की भी आपको सलाह देता है। तो ये दोनों भी बातें वो वीडियो में बहुत ही गलत बता रहा है, लेकिन एक बात उसने सही बताई है कि मुँह से वहाँ पे वहाँ का जो है पॉइजन मत काट दो। अगर वो बंदे का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इतनी तो भी बात राइट बता दी कि मुँह से वहाँ का पॉइजन मत काटिए, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो। और एक बात वो वहाँ पे बताता है कि आपने हॉस्पिटल को जाना आपको परवाह नहीं खाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है और हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन दिया जाता है एंटी स्नैक वेनियम का। वो नाम नहीं बताता, लेकिन वो बताता है कि हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन दिया जाता है जो बहुत महंगा है। उसके बजाय वो आपको एडवाइस करता है कि आप एक होम्योपैथिक दवा लें जो कि जिसकी कीमत लगभग 10 रुपये बताता है, और उससे वो बताता है कि बहुत ही फायदा होगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्नैक बाइट में एक न्यूरोटॉक्सिक स्नैक बाइट और एक हीमोटॉक्सिक स्नैक बाइट, ऐसा एक पॉइजनस स्नैक में उसके सब टाइप्स आते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का स्नैक बाइट हुआ है तो आप किसी भी प्रकार के दुविधा में जा सकते हैं और आपकी इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन मैं दोस्तों अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि किसी को भी पॉइजनस या नॉन पॉइजनस स्नैक बाइट ना हो। पर खुदा ना खास्ता अगर आपको स्नैक बाइट हुआ है तो आपने उसका सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपने इमिडिएटली हॉस्पिटल को रन करना चाहिए, डू इट राइट ये फार्मूला अपनाना चाहिए, और हॉस्पिटल में जाकर एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास से आपने ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ना कि आपको किसी भी दूसरे जो देशी फॉर्मूले बताए जाते हैं कि ये करो वो करो अमुक करो तमुक करो। कोई चीज़ आपने करना नहीं है, आपने इमिडिएटली हॉस्पिटल को रन करना है। वहाँ पर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाएगी, इंजेक्शन अट्रापिन दिया जाएगा आपका, वहाँ पे सीरम कॉलेस्ट्रस ये टेस्ट किया जाएगा, और आपको वहाँ पे अगर सीरम कॉलेस्ट्रस बड़ा है तो ये कन्फर्म होता है कि पॉइजनस स्नैक बाइट है। तो उसमें आपको जो है एंटी स्नैक वेनम का इंजेक्शन स्टार्ट किया जाता है, एंटीबायोटिक और बाकी की चीज़ें आपको दी जाती है दोस्तों। गरज पड़ने पर आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पर भी लेने की गरज पड़ सकती है जब आपकी सांस बंद होती है या सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक
हीमोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में आपके रेस्पायरेटरी मसल जो है पैरालाइज्ड हो जाते हैं दोस्तों, और उस कंडीशन में आपको सांस लेना जो है बिल्कुल ही नागवार होता है दोस्तों। जब पिछली बार मैंने जो स्नेक बाइट का वीडियो बनाया था उसके ऊपर दो तीन लोगों ने बहुत ही अच्छी कमेंट की थी कि स्नेक बाइट में इंजेक्शन न्यूरोस्टिक में दिया जाता है, फिर दूसरे एक बंद डॉक्टर ने उसके ऊपर कमेंट किया था, मेरे ख्याल से हर नेम इज़ डॉक्टर जेबा, तो उसने एक कमेंट किया था कि उसके ऊपर इंजेक्शंस न्यूरोस्टिक में ना इंजेक्शन एट्रोपिन भी दिया जाता है। फिर उसके बाद और एक बंदे ने कमेंट किया था कि पैन क्यूरेनियम या ट्रैक्यूरेनियम या इंजेक्शन का ओवरडोज भी हुआ तो ये दो इंजेक्शन दिया जाए। बिल्कुल न्यूरोस्टिग्मिन और एट्रोपिन जो है जो रेस्पायरेटरी मसल्स पैरालाइज्ड हुए हैं ड्यू टू न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं दोस्तों, और रेस्पायरेटरी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं, इसकी वजह से रेस्पिरेशन फिर से नॉर्मल होता है। तो दीज आर द इंजेक्शन विच आर विच वी गिव इन द पॉइजनस स्नेक बाइट, एट्स एंटी स्नेक वेनिन, न्यूरोस्टिग्मिन एंड समटाइम्स एट्रोपिन, एंड यस सो यस द ट्रीटमेंट विल बी फॉलोड बाय अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फिजिशियन और एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन। तो दोस्तों आप जो है इस प्रकार से जो है इस वीडियो का फायदा लें, और स्नेक बाइट और नॉन स्नेक पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट में आप फर्क कैसे करेंगे, तो हम कैसे फर्क करते हैं कि पॉइजनस या नॉन पॉइजनस है। बस पॉइजनस स्नेक बाइट के तो बारे में पता है कि उसकी सांस लेने में तकलीफ होती है, दम लगता है, चक्कर आती है, उल्टी वावड़ नौशिया जैसा होता है, पर नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट में कुछ भी लक्षण नहीं होते। 24 आवर्स हम सिर्फ पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, अगर कुछ कंडीशन नहीं है कुछ सिम्टम्स नहीं है तो पेशेंट को रिलीज किया जाता है। फिर और एक उसमें क्राइटेरिया है कि बाबा स्नेक बाइट जो हम देख रहे हैं उसमें मार्क, अगर जहाँ पे भी बाइट है वहाँ पे 2 मार्क हैं या 4 मार्क हैं, 2 मार्क जो हैं वो पॉइजनस स्नेक में दिखते हैं और 4 मार्क जो है वो नॉन पॉइजनस स्नेक में दिखते हैं, तो ये भी दोस्तों अपने ख्याल रखना है। दोस्तों मेरा जो वीडियो है ये जो है इससे भी मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इससे भी मैं और बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ, इससे भी ज़्यादा मैं आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ, नॉट ओनली मेडिकल नॉलेज, मैं आपको टोटल नॉलेज देने वाला हूँ दोस्तों, और इस यूट्यूब चैनल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप तक अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाल बटन का जो सब्सक्राइब बटन होता है उसको दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसकी वजह से हमारे टच में रहते हैं और हमारा वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो आपको इंटीमेशन मिलता है। लाल बटन दबाने के बाद सब्सक्राइब का उसके बाजू में काला बेल आइकन का बटन भी दबाएं कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी आपने करते जाना है कि आपने जो है सही बात को फैलाना है, गलत बात को आपने नहीं फैलाना है। मैं हूँ आपका दोस्त।